मंगल मैथ्री स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स का डिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है हमारी, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसकी डेफिनेशन हमारी क्या है कि ए सिग्निफिकेंट फिगर इज ए फिगर और ए डिजिट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हाउ एक्यूरेटली समथिंग कैन बी मेजर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, देखने के लिए कि किसी मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे जो हमारा पहला रूल है इसमें है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, ठीक है, किसी मेजरमेंट में जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 17 लिखा, मेरा एक मेजरमेंट सपोज कीजिए 17 आया, तो इसमें कितने डिजिट है 17 में हमारी, 1 और 2, 2 डिजिट आई हमारी यहाँ पे, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे मैंने 178 लिखा तो इसमें कितनी डिजिट है मेरी, 3 डिजिट है, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसी 1782 लिखा, ठीक है, तो 1782 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी, 4, ठीक है। जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट होगी किसी मेजरमेंट में, ठीक है, तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर हम उतनी ही उसमें रखेंगे। अभी यहाँ पे हमारा तो दूसरा रूल है, दूसरे रूल में क्या है कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारा किसी मेजरमेंट में जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 4 है, 4 नॉन जीरो डिजिट है, 1 भी हमारी नॉन जीरो डिजिट है और बीच में हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। 0 कहाँ पे हमारा, बीच में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के, तो इस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमारी, 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी, 3। ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4, 0, 1, 2, तो 0 हमारा नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे क्या हमारी 4 और 1 है, 4 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। ऐसे ही 4, 0, 0, 5, 6, ठीक है, 4, 0, 0, 5, 6, तो 4 और 5 के बीच में हमारी 2 जीरो आ रही है, ठीक है, तो इनको हम काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमारी, 5 होंगी। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में है ये है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लीस्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारी जीरो क्या आती है कि नॉन जीरो डिजिट के राइट में आती है, ठीक है, जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आती है, तब हम उसको क्या नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 लिखा, 20 लिखा, तो इसमें जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। डिजिट तो हमारी 2 है यहाँ पे, लेकिन ये जीरो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा 210 लिखा मैंने, ठीक है, तो 210 में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 और 2, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2130, ठीक है, तो 2130 में जीरो को काउंट नहीं करेंगे, 213, तो कितनी डिजिट होगी हमारी, 3 डिजिट होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हमारी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट में ये है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारी जीरो क्या हो, डेसिमल के तो राइट में है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के किधर है, लेफ्ट में है, तब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 0.04, तो ये जो जीरो है हमारी पॉइंट के तो राइट में आ रही है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा फोर्थ रूल में कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो अगर हमारी पॉइंट के राइट साइड में आती है और नॉन जीरो डिजिट के
लेफ्ट साइड में आती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी हमारी कितनी होगी, स्केयर फोर के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे और वो कितनी है हमारी यहाँ पे 1। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.004, ठीक है। तो इन पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हमारे नॉन जीरो डिजिट से इधर है और पॉइंट से राइट में है तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 1.0045। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी हो गई 2.0456, ठीक है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हमारी 1, 2, 3। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी 3, ठीक है। जो पांचवा रूल है हमारा, इसमें ये है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारी जीरो पॉइंट के राइट साइड में आती है और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट साइड में आती है तब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिजिट ली है 0.20, तो यहाँ पे जो जीरो है हमारी पॉइंट के राइट साइड में आ रही है और यहाँ पे 2 क्या है हमारी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के भी किधर आ रही है, राइट में आ रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी हमारी 2, ठीक है। अब जैसे हमारा 0.230 है तो 0.230 में क्योंकि इसके राइट में आ रही है पॉइंट के और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में है तो इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए 0.2370 है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है कि एक्यूरेसी और एरर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होती है कि जो कोई भी, जैसे हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू के वो कितना क्लोज है, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना क्लोज है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एक्यूरेसी कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए आप स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। स्मॉल जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। हमने कोई मेजरमेंट किया, सपोज कीजिए हमने पेंडुलम से स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और वो हमारी कितनी आ रही है 9.7 आ रही है या 9.9 आ रही है, ठीक है। तब हमारा वो 9.8 के कितने क्लोज है, मान लीजिए हमने रीडिंग ली 9.7 आई, दूसरी रीडिंग ली हमारी 9.6 आई, तो 9.6 9.8 के क्लोज है। 9. अगर हम दो रीडिंग ले रहे हैं 9.6 और 9.7, तो 9.7 जो है हमारी 9.8 के क्लोज है इन कंपैरिजन टू 9.6, ठीक है। तो जो 9.7 है वो मोर एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेसी में क्या होता है हमारा कि कोई भी मेजरमेंट, कोई भी रीडिंग स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने नियरेस्ट है, कितने क्लोज है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा एरर है। एरर का मीनिंग क्या है कि जो डिफरेंस होगा इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू में और ऑब्जर्व वैल्यू में, जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जैसे मान लीजिए हमारी 9.7 सेंटीमीटर आई थी लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी हमारी कितनी थी 9.8 थी, ठीक है। तो अगर हम 9.8 में से 9.7 को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगी 0.1 की। उसमें क्या है हमारी एरर है। तो एरर का मीनिंग क्या होता है हमारा, ट्रू वैल्यू का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का मतलब जो हम किसी एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एरर कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स मेनली हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिस्टमेटिक एरर होती है हमारी और एक रैंडम एरर होती है। जैसे सिस्टमेटिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो एक सिस्टम में हो, जैसे मान लीजिए कोई एरर आ रही है हमारी, बार बार उतनी ही एरर आ रही है हमारी, ठीक है। एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमारा किसी मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर की एरर आई, फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी 0.2 की आई, फिर तीसरा किया उसमें भी 0.1 की आई, तो इस तरह से वो एक सिस्टमेटिक एरर हो गई हमारी। रैंडम एरर का मतलब जो एरर अननोन रीजन से कितनी भी आ सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर भी आपके कितने होते हैं, 3 टाइप्स की होती हैं।
एक तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है हमारी, एक पर्सनल एरर होती है और एक नेचुरल एरर होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट के कारण हमारी एरर आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो एरर आई है हमारी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, ठीक है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में क्या है कि जो हमारी लापरवाही के कारण एरर आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई रीडिंग ली, ठीक है, किसी ऑपरेटर से कोई रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, दोबारा रीडिंग ली, ठीक है, दूसरी रीडिंग हमारी कुछ और आ रही है, ठीक है। तो जो पर्सनल हमारे कारण जो एरर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर कहेंगे। तीसरी है हमारी नेचुरल एरर। नेचुरल एरर जो नेचर के कारण हमारी एरर आती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कारण जो भी हमारी एरर आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एरर कहेंगे।